हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियोस को किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं किया जा सक रहा था। अब हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर की वीडियोस को शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपके जो छूटे हुए करंट अफेयर की वीडियो है उसको कवर किया जाएगा, साथ ही साथ जो आने वाले दिनों के करंट अफेयर के वीडियो हैं उन्हें भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका कोई भी दिन का करंट अफेयर का वीडियो मिस नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में 16 और 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। फिर कल यानी 18 जुलाई को हम कवर करेंगे 3 और 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को। इस तरीके से हम अल्टरनेट पर डे दो दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर कर रहे हैं, और अल्टरनेट डे पे यानी कि जो बीच का दिन होगा उस दिन हम जो छूटे हुए करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। लर्निंग बुक पे 2 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर अपलोड हैं, 2 जुलाई के बाद से अपलोड नहीं किया जा सका था। तो अब हम जो जैसे आज हम 16-17 जुलाई का कर रहे हैं, कल हम करेंगे 3 और 4 जुलाई का, 2 जुलाई तक अपलोड है, 3-4 का कल करेंगे, फिर 19 तारीख को हम करेंगे 18 और 19 का। इस तरीके से इसी महीने में ही आपके छूटे हुए करंट अफेयर और जो करंट अफेयर आने वाले दिनों के हैं सबको कवर कर लिया जाएगा, और आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस का बर्डन नहीं पड़ेगा। पर डे आपको एक ही वीडियोस करंट अफेयर की देखनी होगी। आपने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है उस पर हम पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जारी मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 के लिए केंद्रित हस्तक्षेप पर किस संगठन ने श्वेत पत्र जारी किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के बाद के हालात के लिए टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल द्वारा तैयार किया गया एक श्वेत पत्र जारी किया। ये जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल है, इसने इस श्वेत पत्र को एक आभासी मंच पर तैयार किया, यानी कि कई सारे लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया, तो वो वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस श्वेत पत्र को तैयार किया गया। यह श्वेत पत्र उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी और रणनीतियों का एक पूरा मानचित्र प्रदान करेगा, जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को तीव्र गति से बढ़ाने में मदद करेगा। इस श्वेत पत्र का पूरा फोकस लोकल सॉल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस के साथ बढ़ने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना है। हर्षवर्धन हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ही, साथ ही साथ हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके अधीन 3 विभाग कार्य करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। तो जो ये श्वेत पत्र तैयार किया गया है, ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ से कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा आयोजन किया गया। ई लोक अदालत क्या होती है? देखिए, ई लोक अदालत में क्या है, लोक अदालत पहले ये होता है कि मामले का निपटारण सेम उसी दिन हो जाता है, जो मामले कई दिनों से पेंडिंग हैं उन्हें आप ई लोक अदालत में ले जाके सेम डे निपटारा करा सकते हैं, यानी कि सेम दिन ही, ये 15 दिन में एक दिन अदालतें लगती हैं, और इसमें सारे मामलों का निपटारा उसी दिन जज द्वारा किया जाता है। तो ई लोक अदालत, पहली ई लोक अदालत लगी छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें पहली वर्चुअल कोर्ट कब हुई थी भारत में, तो पहली वर्चुअल कोर्ट अगस्त 2019 में ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया था। इसमें ट्रैफिक चलान, जो पूरे स्टेट का, हरियाणा का ट्रैफिक चलान था, उसके केस को वर्चुअल कोर्ट के थ्रू पहला 19 अगस्त में ही किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही वर्चुअल कोर्ट हियरिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्चुअल कोर्ट की हियरिंग की थी, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग, जिसमें कि संविधान की जो हियरिंग होती है उसकी बात करें, तो ये अभी जुलाई में ही शुरू की कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग के लिए वर्चुअल कोर्ट के थ्रू इस हियरिंग को किया। कोविड-19 के दौरान अगर हम बात करें वर्चुअल कोर्ट की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये राज्य पहला था उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट। और अगर ये बात कर ली जाए कि पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन
कौन सा है पूरे भारत का, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर में जो नया पुलिस स्टेशन खोला गया है ये पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन है पूरे भारत का। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ गए। ई लोक अदालत, लोक अदालत छत्तीसगढ़ सबसे पहले भारत में आयोजन किया गया ई लोक अदालत का। पहला वर्चुअल कोर्ट की बात करेंगे तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जुलाई में सबसे वर्चुअल हियरिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि संविधान के लिए भी, संविधान में कोई जैसे किसी ने केस किया कि संविधान के इस आर्टिकल को चेंज करना है तो उसके लिए पहली बार संविधान से संबंधित किसी केस के लिए पहली बार वर्चुअल हियरिंग द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया जुलाई में। अगर हम बात करें कोविड-19 के दौरान किस हाई कोर्ट ने सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट की सुविधा प्रदान की तो ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है और पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन उड़ीसा का भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है, इसमें भारत दूसरे नंबर पे है। देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जैसे FDI फॉरेन डिफेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे FDI बोलते हैं, तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किसने किया, सिंगापुर ने किया इस वर्ष। और जबकि यूनाइटेड किंगडम में किस देश ने सबसे ज़्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया तो वो किया USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किया इस वर्ष और इस वर्ष भारत विदेशी निवेश करने में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में दूसरे स्थान पे था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक फॉरेन निवेश यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया सिंगापुर ने, दूसरे नंबर पे मॉरिशस ने, तीसरे नंबर पे किया था भारत ने में जो विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किस देश ने, नीदरलैंड ने, और चौथे नंबर पे भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाला देश अमेरिका है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक कौन सा देश है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक देश कौन सा है, यह है सिंगापुर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत में 2019-20 में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन सा था, वो था सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। झारखंड के राज्य परिवहन ने डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डिजिटल समाधान यातायात पुलिस को फाइन कलेक्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से लैस करने में सक्षम करेगा। आप देखे होंगे कि अभी क्या है कि कोविड-19 के दौरान आप करेंसी एक दूसरे से लेने के लिए अवॉइड करते हो, तो इसमें क्या है कि एक मशीन मिल जाएगी, इससे सब लोग जब शॉपिंग करते हैं तो देखेंगे उसमें कार्ड स्वैप करके ये लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा आपके अकाउंट से इनके अकाउंट में चला जाता है। तो यही पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसी को बोलते हैं। तो इस जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है इससे HDFC बैंक इनको पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड कराएगा जिससे यातायात पुलिस को फाइन कलेक्ट करने में आसानी होगी। और ये पहला किस राज्य के परिवहन विभाग ने डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है, ये राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर यहाँ के द्रौपदी मुर्मू हैं। HDFC बैंक है जो जिसका मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके चेयरमैन हैं दीपक प्रकाश। और जो टैग लाइन है HDFC की ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। HDFC का अभी अप्रैल के महीने में, बीते हुए अप्रैल के महीने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीते हुए अप्रैल में, अप्रैल 2020 में HDFC के 1% शेयर को खरीदा है चाइना के सेंट्रल बैंक ने। चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है उसी तरीके से चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना है, जिसने 1% शेयर को खरीदा है, HDFC के 1% शेयर को खरीदा है चाइना के सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हैं राहुल जौहरी। ये पहले CEO थे, 2016 में इन्हें CEO बनाया गया था और इनका कार्यकाल 2021 में पूरा होता। इन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले ही अपने CEO पद से इस्तीफा दे दिया, राहुल जौहरी। और BCCI क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली हैं और इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली ही सियान लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री? ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ली ही सियान लुंग। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, ये दरअसल सिंगापुर का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, और इसकी जो कैपिटल है उसे सिंगापुर बोलते हैं। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हलीमा याकूब, और सिंगापुर डॉलर यहाँ का जो है करेंसी है, सिंगापुर डॉलर। डॉलर की पहले सिंगापुर लगा देंगे, वही सिंगापुर की करेंसी हो जाएगी। और जो ली ही सियान लुंग हैं ये पीपल एक्शन पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पीपल एक्शन पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 2018 की बाघ जनगणना ने दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया? यह देश है भारत। भारत ने जो 2018 में बाघों की जनगणना की थी, ये इसमें इन्होंने एक तो सबसे ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल किया और सबसे बड़ा कैमरा इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा कैमरा इस्तेमाल करने के लिए इन्हें गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया कि भारत में सबसे बड़े कैमरे का इस्तेमाल करके 2018 में बाघों की जनगणना की गई थी। 2018 में भारत में कुल 2967 बाघ थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ थे मध्य प्रदेश में, 526 बाघ, मध्य प्रदेश से दो बाघ कम यानी कि 524 बाघ थे कर्नाटका में, और तीसरे नंबर पे इस लिस्ट में था उत्तराखंड जिसके पास 442 बाघ थे। भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक अपने बाघों की संख्या को भारत दुगना करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ा कैमरा इस्तेमाल करने वाला देश भारत था 2018 की बाघ जनगणना में, जिसके लिए उसे गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश मिला है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, और भारत में कुल बाघों की संख्या 2018 की जनगणना में 2967 थी, और भारत ने एक लक्ष्य रखा है अपने लिए कि 2022 तक बाघों की संख्या को भारत अपने देश में दुगना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ली ची लूपो नामक वृत्त चित्र के लिए 10वां 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। ची लूपो, ची मीन्स होता है हनी, लूपो मीन्स होता है हंटर, यानी कि जो शहद को निकालते हैं उन्हें हनी हंटर बोलते हैं। तो ची लूपो ये जीता है, इस वृत्त चित्र ने, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने जीता है 10वां 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसके इसको इस डॉक्यूमेंट्री को किसने बनाया था, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है के जैंग डी थोंग डॉक ने। इस फिल्म का उद्देश्य शहद के शिकार के अभ्यास पर आधुनिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और साथ ही साथ शहद के शिकार के बारे में भावी पीढ़ी को शिक्षित करना था। शहद का शिकार अरुणाचल प्रदेश का एक समुदाय है, शेर टुक पेन समुदाय। इसकी ये परंपरा है कि वो ठंडक के सीजन में, शेर टुक पेन समुदाय के जो पुरुष होते हैं ये ठंडक के सीजन में पहाड़ों पर लगे हुए जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उससे ये शहद का शिकार करते हैं, शहद को निकालने का एक अभियान चलाते हैं। इसी पूरे जो कैसे वो शहद को निकालते हैं, उस दौरान वो कौन से कपड़े पहनते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसी को वृत्त चित्र में अपने जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसमें के जंग डी थोंग डॉक ने दर्शाया है।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही रोटरी फाउंडेशन के पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हाल में ही जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया जिन्हें, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापडी के पलनी स्वामी हैं। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपने लोगों को कुशल सेवा करते हैं, जो लोगों के पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि क्षेत्रों में प्रमुख योगदान देते हैं। और इस वर्ष पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया एडापडी के पलनी स्वामी को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित ही किया गया है एडापडी के पलनी स्वामी, यानी कि ऑप्शन सी। और जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और जो रोटरी फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर इवांस्टन अमेरिका में स्थित है, इवांस्टन अमेरिका। रोटरी फाउंडेशन जिसने, जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान करता है, उसका हेडक्वार्टर है इवांस्टन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह और यौन हिंसा अनुसंधान पहल ने किस भारतीय संगठन को डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया मानव विकास संस्थान को, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास संस्थान एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर एस आर हाशिम हैं। इन्होंने यौन हिंसा पे लोगों को जागरूक करने के लिए कि यानी कि किसी के जेंडर को देख के उनके प्रति हिंसा ना हो, उसके लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया और काफ़ी हद तक यौन हिंसा को अपने क्षेत्र में रोका, इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। विश्व बैंक समूह और यौन हिंसा अनुसंधान पहल ने सम्मानित किया मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मानव विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यह एक एनजीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताएं जिसने पिछले 5 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना को हाल ही में वितरित किया है। देखिए, अपाचे ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है भारत को। इसमें पूछ रहा है कि अपाचे को किस कंपनी ने बनाया है, तो अपाचे को बनाया है बोइंग कंपनी ने। बोइंग अमेरिकन कंपनी है जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर को बनाती है। देखिए, अपाचे, कमोव, रोमियो, मिग 24 और रफेल, ये 5 हेलीकॉप्टर अभी क्या है, पूरी तरीके से चर्चा में बने हुए हैं। तो मैं 5 हेलीकॉप्टर किस देश से भारत ने खरीदा है इसे, और उस देश की किस कंपनी ने इसे बनाया है इसे मैं बता रहा हूँ, जिसे आप नोट करोगे। देखिए, अपाचे को बनाया है बोइंग ने, बोइंग अमेरिकन कंपनी है और अपाचे भारत अमेरिका से खरीद रहा है। कमोव एक रशियन हेलीकॉप्टर है जिसे भारत रशिया से खरीद रहा है, इसे रशियन कंपनी एरो स्पेस द्वारा बनाया गया है। रोमियो भारत अमेरिका से खरीद रहा है, और लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी है जो कि रोमियो को बनाती है, और रोमियो हेलीकॉप्टर भारत खरीद रहा है अमेरिका से। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है मिग 24 को बना रही है मिकोयान कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी है। मिग 24 भारत ने बहुत ही पहले अमेरिका से खरीदा था, लेकिन मिग 24 इस वजह से चर्चा में है क्योंकि जब अभिनंदन ने हमला किया था जो पाकिस्तान के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट से, अपने उन्होंने मिग 24 का इस्तेमाल उस टाइम पे किया था। ये रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसका नाम है मिकोयान, उसी ने मिग 24 को बनाया था। रफेल जो कि खासा चर्चा में रहा था पिछले वर्ष, यह भारत फ्रांस से खरीद रहा है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है डेसॉल्ट। तो ऑप्शन बोइंग करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही साथ मैंने आपको बोइंग, कमोव, रोमियो, मिग 24 और रफेल, इन सारे के सारे हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी का नाम और उसके भारत उसे किस देश से खरीद रहा है, इन सबको बताया है। इसे आप नोट करके याद कर लेंगे, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये सारे हेलीकॉप्टर भारत की जो भारतीय वायुसेना है उनकी ताकत को और भी मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्विजू 11 KZ-11 किस देश का ठोस ईंधन वाहन रॉकेट है? क्विजू 11 KZ-11 ये चीन का पहला ठोस ईंधन वाहन रॉकेट है, हालांकि इसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया जो कि पूरी तरीके से विफल रहा था। चीन में जो भाषा चलती है उसे मदरिन भाषा बोलते हैं। क्विजू का मतलब होता है चीन की मदरिन भाषा में फास्ट शिप, यानी कि तेज चलने वाली शिप। और चीन जो है क्विजू 11 ये चीन देश का ठोस ईंधन वाहन रॉकेट है जिसका प्रक्षेपण विफल रहा। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दौरान ये पहला ठोस ईंधन वाहन है चीन का, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जबकि इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो पूरी तरीके से विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपस्टार 6D नामक एक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? देखिए, जब चीन क्विजू 11 का प्रक्षेपण कर रहा था उसी के साथ ही साथ चीन ने अपस्टार दूरसंचार उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया। क्विजू 11 जो कि पहला ठोस ईंधन वाहन रॉकेट था, इसका प्रक्षेपण विफल रहा, जबकि अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण सफल रहा। तो इसका ऑप्शन भी बी करेक्ट हो जाएगा, चीन, यानी कि क्विजू 11 की बात हो तो भी चीन ही है, अपस्टार 6D तो भी चीन है। क्विजू 11 क्या है, ये ठोस ईंधन वाहन ईंधन वाहक रॉकेट है, जबकि अपस्टार 6D ये दूरसंचार उपग्रह है और इसका जो प्रक्षेपण किया गया चीन द्वारा यह सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पुनः प्रयोज PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के विकास के लिए लॉयन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और HEIQ के साथ सहयोग करने वाली कंपनी का नाम बताइए। लॉयन टेक्सटाइल मिल लिमिटेड और HEIQ के साथ जो सहयोग करने वाली कंपनी है, ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड HEIQ के सहयोग से लॉयन टेक्सटाइल मिल ने एक ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला रीयूजेबल, यानी कि जिसे पुनः प्रयोग किया जा सके, उस तरीके का PPE किट लॉन्च किया है। अभी COVID-19 के दौरान PPE किट की काफ़ी बात हो रही है और भारत PPE किट बनाने में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये PPE किट क्या होगा, अभी तक क्या था कि PPE किट को एक बार पहनने के बाद वो रीयूजेबल नहीं होते थे, यानी वॉशेबल नहीं होता था, उन्हें डॉक्टर्स को और हमारे हेल्थ वर्कर को एक बार यूज़ करने के बाद दूसरा PPE किट प्रदान करना पड़ता था। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और HEIQ के साथ मिलकर लॉयन टेक्सटाइल मिल ने ऐसा ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट को भी लॉन्च कर दिया है। लॉयन टेक्सटाइल जो है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, इसके चेयरमैन वल्ली एम रामास्वामी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके जो चेयरमैन हैं ये मुकेश अंबानी हैं। HEIQ का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और इसके CEO और को फाउंडर कार्लो सेंटोज हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो रीयूजेबल PPE किट बना को लॉन्च किया है लॉयन टेक्सटाइल ने, इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और HEIQ के मदद से बनाया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ये ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं। इनका जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जबकि ये ब्रिटिश के हैं। लेखक के रूप में शुरुआत करने के दौरान इन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सारी बातों को इन्होंने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से जो पुस्तक लिखी है उसमें वर्णन किया है इसका, कि कैसे प्रकाशन में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पुस्तक लिखने में उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं लुकिंग फॉर द रेनबो, जो कि 2017 में इन्होंने लॉन्च की थी,
2017 में ही इन्होंने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लॉन्च की थी, टिल द क्लाउडेड रोल बाई, और 2019 में कमिंग राउंड ऑफ द माउंटेन। ये तीन पुस्तक इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के अलावा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक लिखने वाले लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, ये ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य मछली पालन करने वाले किसानों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक और प्रथाओं को अपनाकर अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगले 5 वर्षों में भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगले 5 वर्षों के लिए भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है, यानी कि भारत सरकार का फोकस मत्स्य क्षेत्र में मछली पालन में है। इसी वजह से उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें जो पैकेज अलॉट किया है मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वो है 20,050 करोड़ रुपए का। अगर बात करें ब्लू रेवोल्यूशन की, ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्धालय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने दुनिया का पहला फिश क्रायोजेनिक बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की। इसे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। क्रायोजेनिक फिश बैंक क्या है? क्रायोजेनिक फिश बैंक, इसमें अच्छी उत्पादकता और अच्छी गुणवत्ता वाली मछली को प्रिजर्व किया जाएगा और इनकी सीड को, देखिए मछली जब पालन किया जाता है तो इसमें छोटे छोटे मछली के बच्चों को बेचा जाता है, और जो किसान मछली पालन करते हैं वो इन बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को ले जाके अपने तालाबों में डालते हैं। तो क्रायोजेनिक फिश बैंक में ये जो अच्छी उत्पादकता और अच्छी गुणवत्ता यानी कि अच्छे न्यूट्रिशन वाली मछलियाँ होंगी उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा ताकि ये लंबे समय तक किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में फिश क्रायोबैंक की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFD नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा की जाएगी? अभी देखिए मैंने बताया कि हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्धालय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, और गिरिराज सिंह ने 10 जुलाई को, जो कि 10 जुलाई मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसी दिन गिरिराज सिंह ने दुनिया का पहला फिश क्रायोजेनिक बैंक स्थापित करने की घोषणा की। इस फिश क्रायोजेनिक बैंक को नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये दोनों मिलकर फिश क्रायोजेनिक बैंक की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो 2020 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी, ये थीम थी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल, महिलाओं और लड़कियों की अधिकारों की रक्षा, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना। इस बार की थीम लंबी है, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2020 की जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी ये थी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के एक रिसर्च के अनुसार अगर ये लॉकडाउन 6 माह तक चलता है तो पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियन अनियोजित गर्भधारण हो सकते हैं, यानी कि लॉकडाउन के दौरान अगर ये लॉकडाउन 6 महीने तक पूरा चलता है तो पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियन ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जिनका कि उनके पेरेंट्स द्वारा कोई प्लानिंग नहीं किया जा सका रहा होगा। 7 मिलियन अनियोजित गर्भधारण हो सकते हैं, हो सकता है। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उन्होंने एक रिसर्च में ऐसा अनुमान लगाया है, तो इसे भी आप नोट कर लोगे कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार अगर लॉकडाउन 6 माह तक चलता है तो 7 मिलियन अनियोजित गर्भधारण हो सकता है।
और इसी दौरान 31 मिलियन लिंग आधारित हिंसा के मामले भी सामने आ सकते हैं, यानी कि 7 मिलियन अनियोजित गर्भधारण और 31 मिलियन लोग जो है लिंग आधारित हिंसा करेंगे। ये अनुमान है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, उन्होंने एक रिसर्च के दौरान इन बातों को सामने प्रस्तुत किया है। लोग घरों में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े करने की संभावना ज़्यादा बनती है और इसी वजह से 7 मिलियन अनियोजित गर्भधारण की भी जो है एक भविष्यवाणी की है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है, इसके डायरेक्टर नतालिया कनेम हैं। यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके जो चेयरपर्सन है ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में आतंकवाद निरोधक सप्ताह कब मनाया गया था? वर्ष 2020 में आतंकवाद निरोधक सप्ताह 6 से 10 जुलाई तक मनाया गया। यूनाइटेड नेशन का सहयोगी ऑफिस यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म सेंटर के आह्वान पर पूरे विश्व में 6 से 10 जुलाई तक आतंकवाद निरोध सप्ताह मनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक और व्यवहारिक चुनौतियों के प्रति लोगों को सजग करना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 जुलाई से 10 जुलाई तक आतंकवाद निरोधक सप्ताह मनाया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ये यह था कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक और व्यवहारिक चुनौतियों के प्रति प्रत्येक देश को सजग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने त्रिपुरा में 61 साल बाद यपिथमा वाटसोनी के तितली को फिर से खोजा है। उस पत्रिका का नाम बताइए जिसने इस खोज को प्रकाशित किया है। यपिथमा वाटसोनी, इसे उत्तरी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जम्पुई हिल्स में फुलडुंगसी नामक गांव में खोजा गया। इसे आमतौर पर लूप्ड थ्री रिंग तितली के नाम से जाना जाता है। इसकी पुनः खोज की वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन के लेप्टोप्टेरा संरक्षण और अनुसंधान विभाग के प्रमुख सुमन भौमिक के साथ संदीप मालारकर और अतुन बोरा ने। इस प्रजाति को अंतिम बार 1958 में मणिपुर में देखा गया था और 1958 के बाद अब इसे फिर से खोजा गया है 61 साल बाद। और इसको प्रकाशित किया किसने? इसको प्रकाशित किया जनरल ऑफ एनाटॉमी एंड जूलॉजी स्टडी ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल को लॉन्च किया? ASEEM यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग क्या है ये? देखिए, यह एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा अस्थाई आजीविका के अवसरों को खोजने के लिए कुशल श्रमिकों की मांग को दर्शाया जाएगा। ये जो पोर्टल है इस पे एक अस्थाई आजीविका के अवसर खोजने के लिए कुशल श्रमिकों की मांग को दर्शाया जाएगा। कुशल श्रमिक इस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को पंजीकृत कर सकते हैं और अपने क्षेत्र और अपने स्थान पर नौकरी के अवसरों को खोज सकते हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करा है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल को लॉन्च किया महेंद्रनाथ पांडे ने। इस पोर्टल पर एक उपलब्ध कराया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां हैं और इस पोर्टल पे जो कुशल श्रमिक हैं वो अपनी कुशलता के बारे में दर्ज कर सकते हैं, अपनी कुशलता को पंजीकृत करा सकते हैं और फिर उनको वो कंपनियां जिनको उनकी ज़रूरत होगी वो इन्फॉर्म करेंगे। इससे उनको अपने ही क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो कुशल हैं और अपने ही स्थान पर यानी कि जिस स्थान पर उनका घर है उसी के आसपास उन्हें नौकरियों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।